दोस्तों अब तक हम मानते आ रहे हैं कि दुनिया का सबसे विशाल जीव डायनासोर था, लेकिन नहीं दोस्तों, पृथ्वी का सबसे विशाल जीव डायनासोर नहीं बल्कि ब्लू व्हेल है। कहते हैं जिस तरह जंगल का राजा शेर होता है, ठीक उसी तरह समुद्र की रानी ब्लू व्हेल होती है। तो दोस्तों जानते हैं पृथ्वी के सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल के बारे में। लगभग सभी महासागरों में पाए जाने वाली ब्लू व्हेल मछली नहीं है बल्कि स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव का मतलब ये जीव अंडे नहीं देते बल्कि बच्चे पैदा करते हैं। व्हेल की कई सारी प्रजातियां हैं, इनमें मुख्यतः किलर व्हेल, स्पर्म व्हेल, बेलुगा व्हेल और ब्लू व्हेल आते हैं। और इनमें से ब्लू व्हेल आकार से सबसे बड़ी प्रजाति है, जो सिर्फ व्हेलों में ही नहीं बल्कि पृथ्वी की सबसे बड़ी प्रजाति है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ब्लू व्हेल की एवरेज लंबाई 100 फीट तक होती है, यानी कि 3 स्कूल बस जितनी बड़ी। यहाँ तक कि डायनासोर का मिला कंकाल भी ब्लू व्हेल के सामने कुछ भी नहीं है। ब्लू व्हेल की केवल जीभ ही एक अफ्रीकी हाथी जितने बड़ी होती है और दिल का साइज गोल्फ के गाड़ी जितना बड़ा होता है। तो फिर इतने बड़े जीव का वजन कितना होता होगा? एक ब्लू व्हेल का एवरेज वजन 180 टन होता है, यानी कि 1,80,000 किलो तक। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक अकेले ब्लू व्हेल का वजन ही करीब 30 हाथियों के बराबर होता है। ब्लू व्हेल जब बच्चे को जन्म देती है तब बच्चे का ही वजन 2 टन होता है। एडल्ट एज में पहुंचने तक इनका वजन प्रतिदिन 90 किलो के एवरेज से बढ़ता रहता है। इतना बड़ा वजन मेंटेन करने के लिए एक ब्लू व्हेल कितनी खाती है और क्या खाती है? एक अकेले ब्लू व्हेल रोजाना 4 करोड़ के आसपास क्रिल्स खाती है। क्रिल्स एक छोटे मछलियों की प्रजाति है जो व्हेल के लिए सबसे पसंदीदा खाना है। मतलब एक ब्लू व्हेल रोजाना 3,500 किलो खाना हजम करती है। कभी कभी तो ये समुन्द्र के भीतर 500 मीटर गहराई तक सिर्फ खाना ढूंढने के लिए जाती है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होकर भी एक इंसान जितने बड़े जीव को निगल नहीं सकती। इनका मुंह तो बड़ा होता है, लेकिन इनके मुंह के भीतर की संरचना बहुत छोटी होती है, जो सिर्फ छोटे जीवों को ही निगल सकती है। संकट काल में ये बिना खाए 200 दिन तक रह सकती है, क्योंकि इनके शरीर में भोजन से मिली ऊर्जा बचाकर रखने की क्षमता होती है। ब्लू व्हेल को सांस लेते हुए देखना किसी विहंगम दृश्य देखने से कम नहीं है। इनके मुंह के ऊपरी हिस्से पर 2 बड़े ब्लो होल्स होते हैं। एक बच्चा फिट बैठ सके इतने बड़े ब्लो होल्स होते हैं। जब भी ब्लू व्हेल सांस लेने सतह पर आती है, तब इनके सांस का प्रेशर ब्लो होल से होकर 30 फीट तक ऊपर उड़ता है। ब्लू व्हेल 90 मिनट सांस रोकने की क्षमता भी रखती है। ब्लू व्हेल लगातार 3 महीने तक बिना सोए भी रह सकती है, और अगर ये सोती भी है तो इनका आधा दिमाग जागता रहता है, और ऐसी स्थिति में वो सतह पर आकर सांस भी ले सकती है। और अगर ये गहरी नींद में सो जाए तो ये डूबकर भी मर सकती है, और इसीलिए इनका आधा दिमाग हमेशा जागता रहता है। ब्लू व्हेल की एक और खास बात होती है इनका आवाज। पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज ब्लू व्हेल का ही है। आपको बता दूं कि इनका आवाज किसी जेट इंजन से भी तेज है, मतलब 180 डेसिबल से भी तेज। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे त्योहारों के स्पीकर का आवाज एवरेज 55 डेसिबल का होता है, और ब्लू व्हेल का 180 डेसिबल से भी अधिक। बस समुन्द्र में होने के कारण इनका आवाज कम सुनाई देता है। ब्लू व्हेल एक दूसरे की आवाज 1600 किलोमीटर दूर तक सुन सकती है। उनके दिल की धड़कन ही 3 किलोमीटर दूर से सुनाई पड़ती है। ब्लू व्हेल का मस्तिष्क अन्य जीवों की तुलना में बहुत छोटा होता है। एक ब्लू व्हेल का वजन 180 टन होता है, लेकिन उनके ब्रेन का वजन केवल 9 किलो तक ही होता है, मतलब बॉडी वेट के अनुसार सिर्फ 0.007%। दोस्तों ब्लू व्हेल चाहे पृथ्वी के सबसे बड़े जीव क्यों ना हो, लेकिन दुर्भाग्य से आज ये जीव विलुप्ति के कगार पर है। सन 1967 तक इनकी संख्या 3.5 लाख से भी अधिक थी, और आज इनकी संख्या 25,000 से भी कम है। अवैध शिकार और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज ये विलुप्ति के कगार पर है। दोस्तों यही थी ब्लू व्हेल के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।